नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए राजस्थान की शाम की ताजा खबरें जान लेते हैं। और दोस्तों, आप राजस्थान समाचार पे नए आए तो राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जान लेते हैं। राजस्थान में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया तो अब आपकी खैर नहीं, प्रशासन करेगा आपके खिलाफ कार्रवाई। केंद्र सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के तहत 12 अगस्त 2021 के अनुसार अब 1 जुलाई से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के उत्पादन, इम्पोर्ट, स्टोरिंग, वितरण, बिक्री व उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। या दोस्तों, आप 1 जुलाई से राजस्थान में प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ना आप प्लास्टिक के सामान बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं और ना आप कहीं पर भी स्टॉक कर सकते हो। गुप्ता ने बताया कि प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबेड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के जड़े, कैडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पॉलिस्टाइन की सजावटी सामग्री, प्लेट, कप, गिलास, कांच, चम्मच, चाकू, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक, पीवीसी आदि बैनर पर प्रतिबंध रहेगा। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। 32 जिलों में 470 सेंटर पर होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। राजस्थान में 4588 पदों के लिए कल से 470 सेंटर पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। भर्ती परीक्षा 13 से 16 मई तक 4 दिनों में 2 पारियों में प्रदेश के 32 जिलों में आयोजित होगी, जिसके तहत 18,86,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एडमिट कार्ड जारी करने के साथ ही डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने का लिंक भी जारी किया है। वहीं भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए ATS और SOG की टीम भी निगरानी रखेगी। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। भिलवाड़ा के बाद अब हनुमानगढ़ में तनाव हो गया है। हनुमानगढ़ जिले के नोहरा में उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई है जब नोहरे के VHP नेता सतवीर सहराणा को कुछ युवकों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल सतवीर को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया है। इस घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया है। आक्रोश के चलते लोगों ने चक्काजाम कर दिया है। उनका कहना है कि आज जब नोहरे में एक महिला और एक व्यक्ति सतवीर से कहा कि मंदिर के सामने कुछ युवक बैठे रहते हैं और अक्सर छेड़छाड़ करते हैं। इस पर सतवीर उन युवकों से पूछताछ करने पहुंचे। बातचीत के दौरान दोनों के बीच झड़प हुई और युवकों ने लोहे की रोड से सतवीर के सिर पर वार कर दिया। चोट के कारण सतवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नोहरे राव सत मार्ग पर जाम लगा दिया। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। तनाव को देखते हुए हनुमानगढ़ जिले में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बंपर वैकेंसी निकली है। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण डाक सेवक के 650 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान समेत प्रदेश में निकली वैकेंसी में उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए जून में ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, ये थी राजस्थान की शाम की ताजा अपडेट। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।